क्या आपके पास आपका खुद का करेक्टर है? नहीं है? तो क्या आप करेक्टरलेस है? हेलो एवरीवन, दिस इज चिनू राव और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेक्टर डिज़ाइन के बारे में। आज के समय में अपने खुद के डिजिटल करेक्टर होने की रिक्वायरमेंट लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आपने करेक्टर डिज़ाइन करने का स्किल लेने का सोचा है तो आप सच में बहुत एडवांस इंसान हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप करेक्टर डिज़ाइन करके पैसा भी कमा सकते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और इस वीडियो में हम आगे ये तो जानेंगे कि आप अपना खुद का करेक्टर कैसे बना सकते हैं और वो करेक्टर जो बनेगा वो बिल्कुल यूनिक होगा, वो किसी से मिलता जुलता नहीं होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक डिजिटल करेक्टर की ज़रूरत किस किस को पड़ सकती है। हु नीड्स अ करेक्टर, और डिजिटल अवतार भी बोल सकते हैं हम उसको। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे यूट्यूब एनिमेटर्स, स्टोरी टेलर्स। ऑब्वियसली जो लोग अपनी स्टोरी एनिमेटेड फॉर्म में शेयर करते हैं उनको तो करेक्टर की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि बिना एक डिजिटल करेक्टर के क्या एनिमेट करोगे आप। इसके बाद आते हैं हमारे यूट्यूबर्स, जो कि रोस्टिंग चैनल हो सकते हैं, कमेंटेटरी चैनल हो सकते हैं, टेक्निकल चैनल हो सकते हैं और किसी भी तरह के चैनल हो सकते हैं। अब ये यूट्यूब एनिमेटर्स और यूट्यूबर्स ऐसे अलग होते हैं कि जो यूट्यूब एनिमेटर्स होते हैं वो पूरी की पूरी वीडियो एनिमेटेड बनाते हैं, और जो बाकी तरह के यूट्यूबर्स होते हैं वो सिर्फ एक अपना एनिमेटेड करेक्टर रखते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स। ये शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं और इसे रील्स, शॉर्ट्स, मतलब टिकटॉक जैसे ऐप्स पर डालते हैं, और इनकी जो शॉर्ट वीडियोस होती है वो बाकी टिकटॉकर्स के कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा सिंगर्स को भी अपने डिजिटल अवतार की ज़रूरत पड़ती है उनके एनिमेटेड सॉन्ग्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि सभी के सभी लाइव एक्शन शूटिंग नहीं करते। और आपने देखा होगा कि जो सिंगर्स वगैरह होते हैं वो अपना एक डिजिटल करेक्टर रखते हैं, तो आप भी अपना एक डिजिटल करेक्टर बना सकते हैं और आपका जो सॉन्ग है उसे एनिमेटेड फॉर्म में बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल करेक्टर्स का इस्तेमाल एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज भी करती है अपनी मार्केटिंग करने के लिए। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अमूल गर्ल है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कंपनीज की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो काफ़ी सारी कंपनीज क्या करती है, ये अपना एक डिजिटल करेक्टर बना देती है और उसी के जरिए अपनी मार्केटिंग करती है। और एंटरप्रेन्योर्स के पास जो आइडियाज़ होते हैं उसे प्रेजेंट करने का एक बेटर मीडियम डिजिटल करेक्टर रहता है। इसके बाद आते हैं हमारे वो लोग जो ऑनलाइन वर्ल्ड में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, मतलब वो अपना ऑनलाइन चेहरा उन लोगों को नहीं दिखाते जिनको वो खुद ना जानते हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लोग रहते हैं जो आपकी फोटोज वगैरह का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा करने वाले स्पेशली सुंदर लोग होते हैं जो अपनी प्रोफाइल पब्लिक रखते हैं, तो उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम्स हमें तो नहीं पता क्योंकि हम सुंदर नहीं हैं, तो होती होगी कुछ प्रॉब्लम्स। बाकी मेरे हिसाब से तो ये शक्ल छुपाना अच्छा ही है। केवल आपकी शक्ल की सुंदरता देखकर आपके आसपास आने वाले लोग अगर आपसे दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो उन अनॉनमस लोगों के लिए भी उनका खुद का यूनिक डिजिटल करेक्टर होना अच्छा रहता है। और अब हुन इस डिजिटल करेक्टर में लास्ट में आते हैं इंसान, जो कि फ्यूचर अवेयर है, मतलब हम सबको कवर करने वाले हैं। अब ये फ्यूचर अवेयर वाला पॉइंट मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इवन व्हाट्सएप पर भी आपको आपका अवतार एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप NFTs वगैरह से अवेयर होगे तो आपको पता होगा कि अभी की डेट में इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो सभी को इंटरनेट पे अच्छे से रहने के लिए एक डिजिटल करेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कंपनी का बनाया हो उस बाकियों की तरह सेम सा करेक्टर चाहिए या बिल्कुल अपना एक यूनिक सा करेक्टर चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि किस किस को करेक्टर चाहिए और क्यों चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें उस करेक्टर को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक करेक्टर को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली बात जो हमारे को दिमाग में रखनी है कि हमारा जो करेक्टर है वो सिंपल टू मेक होना चाहिए, क्योंकि हमें उस करेक्टर को बार बार बनाना पड़ता है, उसे हम अगेन एंड अगेन बनाते हैं। मतलब जब आप उस करेक्टर को एक बार बनाने के बाद दोबारा से बनाएं तो वो कोई अलग ही करेक्टर ना बन जाए। और इसके अलावा वो करेक्टर इतना सिंपल होना चाहिए कि अगर उसको कोई भी बनाए तो वो आसानी से बन जाए। क्योंकि देखो, आप अपने करेक्टर को हमेशा खुद ही तो नहीं बना रहे होगे, आप दूसरों को भी देंगे अपना करेक्टर बनवाने के लिए। तो वो करेक्टर इतना सिंपल और इतने स्टेप्स में बनाया होना चाहिए कि एक दूसरी क्लास का बच्चा भी उसे बना ले। अब देखो, जैसे जो मेरा करेक्टर है वो भी मैं स्टेप्स में बनाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने ये इस तरह की आँखें बना दी जो बी की तरह दिखती है, उसके बाद अपना फोरहेड बना दिया, उसके बाद इस तरीके के बाल बना दिए और इसके बाद एक यू शेप बना दी। तो ये स्टेप्स में आसानी से बना पा रहा हूँ मैं। चलो एक और एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे कि जो ये वाला करेक्टर है, ये वाला जो मैं अपने ट्यूटोरियल्स के लिए यूज़ करता हूँ,
ये वाला करेक्टर भी मैं चाहे जितनी भी बार बना लूँ ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मतलब टांगे ऐसी जो जैसी भी इसकी टांगे थी, हाँ इस तरह का जो करेक्टर है ये, देखो ये सिमिलर सा लग रहा है ना, आसानी से बन गया। तो आपका करेक्टर भी ऐसा ही होना चाहिए जो आसानी से बन जाए। अब इसके बाद आपको दिमाग में ये भी रखना है कि आपका जो करेक्टर होना चाहिए वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। मतलब अगर आपको अपने करेक्टर को अच्छा बनाना है तो उसमें आपको डिटेलिंग तो करनी ही पड़ेगी, पर आप उतनी ज़्यादा डिटेलिंग ही मत कर देना कि आप उसको जब बार बार रीड्रॉ करो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाए। क्योंकि देखो अभी के टाइम में तो शायद आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ना करें, मतलब एक सेकंड में 24 फ्रेम्स ना बनाए, बट आप फ्यूचर का देख के सोचो, फ्यूचर में तो आपको क्या पता 24 फ्रेम्स बनाने पड़ सकते हैं एक टाइम में। तो अगर आपका एक ही फ्रेम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा तो आप बाकी की ऐसे 30-20 सेकंड की वीडियोस भी कैसे बना पाएंगे। तो फ्यूचर और टाइम को दिमाग में रखते हुए अपना करेक्टर बनाएं। और इसके अलावा आपको दिमाग में रखने हैं साइड एंगल्स की, जो करेक्टर है हमारा उसके साइड एंगल्स कैसे होंगे। अब देखो साइड एंगल्स आपको दिमाग में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपका करेक्टर है वो हर टाइम में ऐसा बिल्कुल सावधान है कि फ्रंट कैमरा को फेस करता हुआ नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके भी हिलेगा, और ऐसा उसको थोड़ा फ्रीडम दो ना अपने करेक्टर को। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि आपको ये चीज़ करेक्टर डिज़ाइन करते वक्त ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बाद में देखेंगे तो मतलब आपको थोड़ी मुश्किलात होगी बाद में करेक्टर डिज़ाइन करने के बाद में उसके साइड एंगल देखने की। पर हाँ कर सकते हैं आप ऐसा बाद में भी करेक्टर डिज़ाइन करने के बाद साइड एंगल्स भी, आपको इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो आपको भी अपने करेक्टर को ऐसे बना के देख लेना है कि वो फ्रंट से कैसा दिख रहा है, साइड से कैसा दिख रहा है, और बाकी एंगल से किस तरीके से दिख रहा है। ये सभी आपको करेक्टर डिज़ाइन करते वक्त ही ध्यान में रखनी है चीज़ें। तो करेक्टर बनाते वक्त आपको ये भी चीज़ दिमाग में रखनी है कि वो डिफरेंट स्टाइल्स में कैसा लगेगा। जैसे कि आपने अपना करेक्टर 2D अमेरिकन कार्टून स्टाइल में बनाया तो आपको ये देखना है कि वो एनीमे स्टाइल में कैसा लगेगा, और या फिर वो 3D स्टाइल में कैसा लगेगा, या फिर स्टॉप मोशन में कैसा लगेगा। मतलब आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि वो करेक्टर बाकी अलग अलग स्टाइल्स में अगर हम करेंगे तो वो कैसा लगेगा। अब इसके अलावा करेक्टर बनाते वक्त जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो ये है कि जब वो अपना करेक्टर बना रहे होते हैं तो वो उसे अपने एक्चुअल फेस के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। अब देखो जो कार्टून हम अपने एक्चुअल फेस की तरह बनाते हैं उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जब आप अपने डिजिटल करेक्टर को ऐसे एक्चुअल फेस की तरह बनाने की कोशिश करते हो तो आपको कन्फ्यूजन ही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो आपके रियल में बाल ऐसे हैं, पर आपने जब अपने करेक्टर के बाल इस तरीके से बनाए तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के बाल इस तरह के हैं तो वो कुछ सिमिलर सा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना कि रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड दोनों अलग अलग हैं, और वैसे भी जैसे ही आपकी आवाज़ आपके करेक्टर के मुंह से निकलती है तो वैसे ही वो डिफरेंस आपके और करेक्टर के बीच में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको ये बात भी दिमाग में रखना है कि आपका जो करेक्टर है उसका पूरा का पूरा यूनिवर्स आप क्रिएट कर सको, क्योंकि देखो अगर आप अपनी कुछ स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो आप उस स्टोरी में अकेले तो नहीं होंगे। अगर आपका करेक्टर लड़के का है तो उस यूनिवर्स में लड़कियाँ भी होगी, अगर आपकी करेक्टर लड़की का है तो उस करेक्टर में लड़के भी होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि आपके यूनिवर्स के बाकी करेक्टर्स कैसे बनेंगे, आपके बूढ़े करेक्टर्स कैसे बनेंगे, आपके बच्चे करेक्टर्स कैसे बनेंगे। मतलब ये चीज़ दिमाग में रखने वाली है। मतलब आप चाहे तो बाद में इसको देख सकते हैं करेक्टर बनाने के बाद में कि बाकी करेक्टर्स कैसे बनाने हैं, बट हाँ फ्यूचर का देख के चलेंगे आप। अब इसके बाद आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपका जो करेक्टर है वो लोगों में कैसा लगेगा, अगर सिर्फ लोगो ही होगा उसको कैसा लगेगा, और अगर आपने कहीं अपने करेक्टर को स्टिकर में लगाना है कि ऐसे यहाँ पर लगा दिया आपका करेक्टर स्टिकर में, तो वो अच्छा तो लगेगा ना, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब देखो अगर आपने अपना करेक्टर बना दिया है तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि आपका जो करेक्टर है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट में होगा, उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगी। आप ऐसा नहीं होगा कि एक बार बना के रख लिया तो बस यही होगा, अब चेंज नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होता। आप अगर देखेंगे जितने भी फेमस करेक्टर्स हैं वो भी समय समय पर टाइम के साथ में अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और यूट्यूब पर भी अगर आप एनिमेटर्स को देखोगे, अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि काफ़ी लोगों के करेक्टर्स टाइम के साथ अपडेट होते रहे हैं। तो करेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना कोई गलत बात नहीं है, हाँ बस ऐसा होना चाहिए कि वो करेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं हो जाना चाहिए पहले के कंपैरिजन में। तो करेक्टर डिज़ाइन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार में बना के ख़त्म नहीं हो जाती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पर स्टार भी लगाया है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप करेक्टर बना रहे हैं वो बेचने की इंटेंशन से बना रहे हैं, बट फिर भी अगर मान लो आपको उस करेक्टर को बेचना पड़े
तो वो जो सामने वाला खरीददार है उसे वो करेक्टर कैसा लगेगा, इसको दिमाग में रख के चलना है आपने। आपको ये चीज सोचना है कि अगर मैं बायर होता, करेक्टर खरीदने वाला होता, तो मैं ये करेक्टर खरीदता जो कि मैंने खुद बनाया है। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ही अपना कंपैरिजन करते रह सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका करेक्टर डिजाइन भी अच्छा होता रहेगा, और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो आप आगे जाके करेक्टर्स को बेच भी पाएंगे। तो ये थे बेसिक 11 पॉइंट जो कि आपको करेक्टर बनाते वक्त दिमाग में रखने हैं। आप चाहे तो इन्हें कहीं पे लिख भी सकते हैं, अपनी रफ नोटबुक वगैरह पे लिख सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे, दिमाग में रहे। तब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, हाउ टू मेक करेक्टर। अब इस पॉइंट पे मुझे हमारे इनकम टैक्स पढ़ाने वाले सर याद आ रहे हैं। वो भी क्लास में पढ़ाते वक्त मेन टॉपिक पे बहुत बाद में आते थे, और जब हम सर को बोलते थे कि बस सर इतना सस्पेंस मत बनाओ, सीधा मेन टॉपिक पे आओ, तो सर का रिप्लाई होता था, भागो मत, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सब कुछ दिमाग में जाना चाहिए। तो अभी तक हम कुछ वैसे ही चल रहे हैं। तो अभी हाउ टू मेक करेक्टर में जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, वो बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों के लिए काम आएगी। तो अब सबर खत्म हुआ, हम आ चुके हैं करेक्टर डिजाइन पे। तो इस टेक्निक में हम 3 स्टेप्स में अपने करेक्टर को बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है चूज योर स्टाइल। कोई भी आपको कार्टून देखने में अच्छा लगता है, कोई भी एनीमे देखने में अच्छा लगता है, तो आपने उसके स्टाइल में अपना करेक्टर बनाने का ट्राई करना है। जैसे कि आप एनीमे में से रेफरेंस दे सकते हैं कि आपने नारुतो के स्टाइल में बनाना है, या फिर ड्रैगन बॉल जी के स्टाइल में बनाना है, या फिर आप अमेरिकन कार्टून में से ले सकते हैं, जैसे आपने फैमिली गाय के स्टाइल में बनाना है, रिक एंड मॉर्टी के स्टाइल में बनाना है, या फिर ग्रेविटी फॉल्स के स्टाइल में आपने अपने करेक्टर्स को बनाना है, वैसा भी आप कर सकते हैं। या फिर आप किसी यूट्यूबर से भी रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ इस यूट्यूबर के स्टाइल में मैंने अपनी जो अपना जो करेक्टर है वो बनाना है। अब देखो जो स्टाइल है वो आपने अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टाइल चूज करना है। अब जैसे आपने मान लो सोच लिया कि मैंने तो एनीमे स्टाइल में बनाना है, और आपको एनीमे बनाना ही नहीं आता, तो कैसे बनेगा आपका करेक्टर। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने सोच लिया कि मैंने अब किस किस स्टाइल में अपना करेक्टर बनाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है टेक रेफरेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो आपने इसमें क्या करना है, जो भी फेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर हो गए, फोरहेड हो गया, आई हो गया, इन सब के गूगल पे सर्च करके लिखना है इनके डिफरेंट पार्ट्स को, मतलब कार्टून करेक्टर्स लिखने हैं, और उनमें से उठा के एक एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो आप हेयर देख रहे हैं तो आपने कार्टून करेक्टर्स के हेयर ही देखने हैं, और जैसे मान लो आपने हेयर देख रहे हैं तो आपने सबसे पहले हेयर चूज़ कर लिया कि हाँ मुझे इस कार्टून करेक्टर के हेयर पसंद आ रहे हैं तो मैं इसे उठा लूँगा। उसके बाद हेयर देखने के बाद में आपने देखा कि फोरहेड ये वाला पार्ट होता है, जो मतलब फोरहेड ये वाला पार्ट होता है जो बालों का यहाँ से कनेक्ट करता है माथे को। तो अब ये ना हर एक करेक्टर के ना डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे लड़कियों में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इस फोरहेड वाले पार्ट में। इस पार्ट से हम करेक्टर को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइज़ देख लेना, आइज़ तो चलो आपको पता ही होगा कि अलग अलग आइज़ कैसे देखी जाती है, पर मैं रिकमेंड करूँगा नॉर्मल आइज़ ही रखना, क्योंकि बनाने में ईजी होती है, एक्सप्रेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपने ईयर्स देख लेना। अब ईयर्स का क्या होता है कि कार्टून करेक्टर्स में ज़्यादातर बड़े बड़े ईयर्स अच्छे लगते हैं, और कुछ कार्टून करेक्टर्स में ईयर्स अच्छे ही नहीं लगते, जैसे कि मेरा करेक्टर है उसमें ईयर्स अच्छे ही नहीं लगते, तो वो चीज़ भी है। अब इसके बाद में आपने जॉ लाइन देखनी है। जॉ लाइन मोस्टली तो गोल ही रखते हैं, यू शेप में, पर अगर आप चाहे तो आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। लड़कियों के करेक्टर में ये चीज़ अच्छी होती है कि आपने बस एक ऑर्नामेंट वगैरह डालना है और उसे ही डाल के रखना है हमेशा हर एक करेक्टर में। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक ईयरिंग बना ली, तो आपने हर एक करेक्टर में वही ईयरिंग ही दिखानी है। इसमें तो ईयरिंग अच्छी नहीं लग रही, मतलब आपने देख लेना है कि आपके इसमें क्या अच्छा लग रहा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बालों में कुछ लगा सकते हैं, ऐसे हेयर बैंड वगैरह लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, मतलब आपके करेक्टर को वो यूनिक कर देता है ना। मतलब कितने सारे तरह के ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं अपने करेक्टर में लगाने के लिए। उसके बाद में बस हाँ ये बात याद रखना कि अगर आप अपना ड्रेसअप वगैरह चेंज करेंगे, जैसे मान लो आपने पहले आप दूसरे ड्रेसअप में होते और दूसरे में चेंज किया, तो आप वो ऑर्नामेंट उसके साथ चलेगा क्या, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे लड़कियों की तो हेयर स्टाइल भी बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, जैसे लड़कों का तो एक ही रहता है हेयर स्टाइल, अगर मेरा ऐसा है तो वो काफ़ी, अगर मैं कटवाना दूँ पूरे के पूरे तो ये सेम ही रहेगा। लड़कियों में तो हेयर स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो ये बात याद रखना कि अगर आपने अपने करेक्टर का हेयर स्टाइल चेंज किया है तो आपका करेक्टर वो फिर वो डिफरेंट ना लगने लग जाए। सबको बनाना पड़ता है लड़कियों का करेक्टर भी, मुझे भी अपने यूनिवर्स के लिए अलग अलग लड़कियों के करेक्टर्स बनाने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए स्पेशली, लड़कों लड़कियों सबके लिए है ये। और उसके बाद में आप चाहे तो अपने करेक्टर में ग्लासेस ऐड कर सकते हैं, अगर आप चश्मे पहनते हैं, या फिर अगर नहीं भी पहनते तो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कौन देखने आ रहा है आपका रियल चेहरा,
है ना। तो उसके बाद आपको माउथ देखना होगा, और माउथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे सिंपल सा हमें माउथ रखें, क्योंकि आपने लिप सिंकिंग वगैरह करनी होगी फ्यूचर में, तो अगर आप ऐसे बिल्कुल ही यूनिक सा कुछ माउथ बना देंगे तो उसकी लिप सिंकिंग करने में आपको आपको ही मुश्किल आएगी। जैसे आप एनीमे देखोगे, एनीमे की जो लिप सिंकिंग होती है वो अमेरिकन कार्टून के कंपैरिजन में अलग होती है, और पता नहीं क्यों उसके ट्यूटोरियल भी आसानी से नहीं मिलते। जब मुझे एनीमे के लिए अपनी लिप सिंकिंग करनी थी, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था ऐसा ट्यूटोरियल वगैरह जिसमें ठीक से बताया हो क्या होता है, पर मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत करो। उसके बाद में आता है नोज़। अब नोज़ की रेफरेंस लेते वक्त ये ध्यान में रखना कि आप क्या आपके करेक्टर के ऊपर वो नोज़ सूट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि काफ़ी सारे एनिमेटेड करेक्टर्स में नोज़ सूट नहीं करती, काफ़ी में कर भी जाती है। जैसे इसमें अभी सूट कर रही है नोज़, इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब आपने ऐसे बहुत सारे कार्टून करेक्टर्स वगैरह देख लिए कि हाँ इसमें से इस कार्टून करेक्टर्स में से मैं इसकी हेयर उठाऊँगा, इसमें से इसका फोरहेड का पार्ट हटाऊँगा, इसमें से इसकी आईज उठाऊँगा, बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने ऐसा नहीं करना कि एक कार्टून करेक्टर का हेयर भी वही देख लिया, फोरहेड भी वही देख लिया, आंखें भी वही देख ली, जॉ लाइन भी वही देख ली, तो वो सेम ही कर दोगे ना आप। क्योंकि देखो हम रेफरेंस ले रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से चोरी करके अपनी एक नई चीज़ बना रहे हैं। देखो बात मेरी ध्यान से सुनना, चोरी दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो आपने रेफरेंस लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो किसी के कॉपी नहीं बन जाना चाहिए एक ही बार में। तो ये चीज़ हमारी होगी, आपने अच्छे से रेफरेंस देख ली। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, कंबाइन स्टाइल एंड रेफरेंस। आपने जो फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप है इन दोनों को कंबाइन कर देना है। अब आया मेन पार्ट, जो हमने एनिमे स्टाइल या फिर हमने जो भी स्टाइल हमने अपनाया था और जो हमने जितनी भी रेफरेंस कहीं कहीं से उठा के लाई थी, उन सभी को अब आपने मर्ज करने की कोशिश करनी है उसमें कि हाँ वो वाला स्टाइल है और मैं इस स्टाइल में उस चीज़ को डालने की, जैसे हेयर है, हेयर को मैं उस स्टाइल में डालने की कोशिश करता हूँ, उस कलर्स के साथ में, उस कलर थीम के साथ में, उस सारे के सारे लाइन आर्ट के वगैरह के स्टाइल में बिल्कुल मैं लाने की कोशिश करता हूँ उसको, और जो उसके बाद में रिजल्ट निकलेगा वो बिल्कुल यूनिक होगा, किसी ने पहले नहीं देखा होगा ऐसा करेक्टर, वो बिल्कुल आपका बनाया हुआ डिफरेंट करेक्टर होगा जो कि ऐसा अजीबोगरीब भी नहीं लगेगा। हाँ अब मैं ये बात जानता हूँ कि आपका जो करेक्टर होगा वो पहली बार में बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, मतलब ऐसे बन भी सकता है, ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मतलब अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, दोबारा से रिपीट कर लेना इसी प्रोसेस को। मतलब ऐसे मैं रिकमेंड करूँगा कि 5-6 बार तो कर ही लेना, मतलब ऐसे 10-12 करेक्टर तो बना के देख ही लेना, और देखते रहना कि क्या क्या चीज़ें अच्छी होती जा रही है, क्या क्या चीज़ें ख़राब होती जा रही है, और ऐसा करते करते आपका एक अपना बेस्ट करेक्टर बाहर निकल जाएगा। और मुझे लगता है ये बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि अगर आपने किसी से अपना करेक्टर बनवाना है तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मुझे मेरे करेक्टर में इस तरह के हेयर चाहिए, इस तरह का फोरहेड चाहिए, इस तरह का सब कुछ चाहिए। आपने वो सारी चीज़ें उस आर्टिस्ट को बतानी है और वो आर्टिस्ट उसकी पूरी खिचड़ी बना के, एक अच्छा सा केविन इलेवन बना के आपके बताए हुए स्टाइल में उसको आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, तो खुश हो जाओ आपका करेक्टर बन जाएगा। अब देखो एक मेजर प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट फेस करते हैं कि अब हमने अपना करेक्टर तो बना लिया पर अब सब उसको आरजी की कॉपी बोल रहे हैं, या फिर मैंने तो अपनी शक्ल देख के अपना करेक्टर बनाया था पर अब वो तो नॉट ए टाइप की तरह लग रहा है। तो अब इस बात के बहुत चांसेस है कि आपने जो करेक्टर बनाया, ह्यूमन जैसा दिखने वाला करेक्टर बनाया, वो पहले से किसी बने हुए करेक्टर की तरह लग रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने बिल्कुल यूनिक करेक्टर बनाया और आपने उससे वीडियोज भी डालते जा रहे हैं, बट वैसा ही सेम टू सेम करेक्टर किसी ने पहले से लेकर ही बना के रखा हुआ है और वो बाद में आके बोलता है कि ये देखो ये मैंने पहले आपसे करेक्टर बना दिया था, आपने इसके बाद वीडियो डालना स्टार्ट किया और ये आपकी आपने मुझसे उठाया हुआ है, जबकि उस इंसान ने देखा ही नहीं था कि उसका इस इंसान का कोई करेक्टर पहले से एग्जिस्ट भी करता है। तो वो वाली प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है, तो इससे बचा कैसे जाए, अपना करेक्टर बिल्कुल ऐसा यूनिक कैसे बनाया जाए, तो इसका सॉल्यूशन है ट्राई मेकिंग योर करेक्टर्स फ्रॉम आइटम्स। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे चार्जर लगा हुआ देखा तो इसका करेक्टर बना दिया, आप अपने आगे बुक देख सकते हैं तो बुक का करेक्टर बना लिया, या आप कोई भी आइटम ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपने कोई थैला देख लिया थैले का बना दिया, बाल्टी देख ली बाल्टी का बना दिया, मतलब ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स आप बना सकते हैं आइटम्स को देख के, नॉन लिविंग थिंग्स को बना के। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंसान की शक्ल में ही कुछ बनाना है। अब जैसे यहाँ पे चप्पल रखी है तो आप चप्पल के फेस का भी बना सकते हैं अपना करेक्टर, तो उससे आपका करेक्टर यूनिक बन जाएगा। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आइटम्स ही देख रहे हैं, आप एनिमल्स भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक भालू बनाया है, दाढ़ी वाला भालू जिसने चश्मे पहने हैं और ऊपर से उसका ऐसे बाल जैसे है, या जो भी बोल सकते हैं, जो भी ये लगा हुआ है, ये यूनिक दिख रहा है ना ये, मतलब ऐसे भालू तो और भी बहुत सारे कार्टून करेक्टर्स बने हुए हैं बट ये अलग इस वजह से लग रहा है क्योंकि इसमें दाढ़ी लगाई हुई है। अब एनिमल का करेक्टर बनाने में बात ये होती है कि आपने बिल्कुल एनिमल को बिल्कुल कॉपी नहीं करना होता। इसे मिकी माउस है, क्या मिकी माउस चूहे जैसा दिखता है?
मेरी बिल्ली तो कभी ऐसा चूहा पकड़ के नहीं लाई। तो आप एनिमल के फेस में, जबकि वो एनिमल जैसा दिखे भी ना, फिर भी आप उसी एनिमल के ऊपर कई सारे तरह के कैरेक्टर्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट के फेस के साथ भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जब सोच रहा था कि मैं इस फ्रूट के ऊपर बनाता हूँ, उस फ्रूट के ऊपर बनाता हूँ, अब मोस्टली मतलब फ्रूट लिमिटेड है ना, तो उन मोस्टली फ्रूट्स के ऊपर तो कैरेक्टर्स बन चुके हैं। तो आप जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, ये खाया हुआ एप्पल है, खाए हुए एप्पल के ऊपर तो कोई करेक्टर नहीं बनाया हुआ, तो अगर आपने अब ये खाए हुए एप्पल को यूज़ किया तो ये तो मेरा करेक्टर आपने कॉपी कर लिया। बट आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब इस करेक्टर में वो बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप एक्सप्रेशन बिना आँखों और वगैरह के भी दे सकते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ है। इसमें भी आँखें वगैरह कुछ नहीं है, आईब्रोज वगैरह कुछ नहीं है, तो आप इसके हैंड मूवमेंट से ही और जो साथ में वॉइस एक्टिंग और म्यूज़िक कर रहे हैं उसी से ही इसके एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं हम इसमें। तो ये वैसा करेक्टर है, अभी तो ऐसा विलन जैसा लग रहा है, कोई खाया हुआ विलन एप्पल। मतलब आपके पास कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं मतलब करेक्टर्स बनाने के। आप एलियंस में से बना सकते हैं, एलियंस में तो पूछो ही मत, आप जो बनाना है बना लो। यहाँ पे आपने चार आँखें डालनी है, पांच आँखें डालनी है, कुछ भी बनाना है, बाल जैसे बनाने हैं बना लो, जिस रंग के बनाने हैं, जिस रंग का मुंह बनाना है बना लो, कोई रोक टोक ही नहीं है एलियंस वाले में। तो देखो करेक्टर डिज़ाइन के मामले में मुझे मैंगो बॉय बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका करेक्टर आप देखो ना कितना यूनिक सा है। देखो आप अपनी आसपास की चीज़ों को देख के भी कोई भी करेक्टर बना सकते हैं। आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, नज़रें उठाओ, सामने टीवी रखा है, टीवी बॉय। आप अपने राइट साइड में देखो, डोर दिख रहा है, डोर बॉय। या फिर आप अपने लेफ्ट साइड देखो, बुक्स दिख रही है, बुक बॉय। या फिर आप अरे परे नहीं देख सकते तो ऊपर देखो, फैन दिख रहा है, फैन बॉय। हाँ मतलब हर एक के पीछे बॉय लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद का एक नाम भी बना सकते हैं। आपको अपना ब्रांड नेम या फिर आर्टिस्ट नेम बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपना यूनिक आर्टिस्ट नेम या ब्रांड नेम कैसे सोचे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वीडियो का, वो जरूर जाके देख लेना। अभी करेक्टर डिज़ाइन के ऊपर और भी बहुत सारे पार्ट्स आने हैं, बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है ये, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।